नमस्कार एवरीवन, माय सेल्फ मिसेस लक्ष्मी जैन, लेक्चरर इन ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्किन इन हेयर, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन ग्लैंड्स। इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार स्किन के स्ट्रक्चर को या त्वचा की संरचना को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि त्वचा के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, तीन परतें होती हैं, थ्री लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, जो बिल्कुल ये जो आउटर मोस्ट लेयर देख रहे हैं ये एपिडर्मिस कहलाती है, जहाँ से ये बाल जो है वो बिल्कुल हमारे रोम छिद्र के अंदर दिखाई देता है, हमें स्किन की सतह पर दिखाई देता है। दूसरी जो लेयर होती है वो इंटरनल लेयर कहलाती है, उसको हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस इज ट्रू स्किन, डर्मिस को ट्रू स्किन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त की वाहिनियाँ, जो कि त्वचा को और बालों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। इसी के अंदर हमारे नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, यानी तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, जो कि संवेदनाओं का ज्ञान कराती हैं, बाहर के वातावरण से हमारे शरीर की जो त्वचा है उसको जोड़ के रखती है। बाहर के वातावरण में अगर सर्दी होती है, गर्मी होती है, नहीं तो हमें उसका एहसास होता है। एंड इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे हमारा बाल है वो हमारी त्वचा की डर्मिस लेयर के अंदर तक धंसा हुआ होता है। एंड इसी के साथ में जुड़ी हुई हमारी त्वचा की ग्रंथियां या स्किन ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें ये सेबेशियस ग्लैंड है, जो कि ऑयल ग्लैंड भी कहलाती है या तेलीय ग्रंथि भी कहलाती है, जो कि एक नेचुरल ऑयल सिक्रेट करती है जिसको हम सीबम कहते हैं। इसी के अलावा स्वेद ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जो कि दो प्रकार की होती हैं, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड दूसरी है एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो आज हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी जो लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस लेयर कहलाती है, सब क्यूटेनियस टिश्यू भी इसको हम बोलते हैं या एडिपोज लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैट के ग्लोबुल्स होते हैं, यानी वसा की बूंदें होती हैं या वसा होती है इसके लिए। तो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, डर्मिस लेयर के अंदर ये कुंडलित होती है, यानी कि ये घूमी हुई होती है, और यहाँ पर ये इसका जो सिक्रीशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पर इसका जो पसीना है वो बनता है, स्वेट बनता है, वो ये वाला पार्ट है जो कि डर्मिस लेयर में होता है। और जैसे जैसे ये ऊपर सतह की तरफ बढ़ती है, ये एक डक्ट का रूप ले लेती है, एक सीधी डक्ट का रूप ले लेती है, एक नलिका का रूप ले लेती है, और ये हेयर फॉलिकल के अंदर, यानी बाल की जो नलिका होती है उसके अंदर आकर के अपना सिक्रीशन डालती है या अपना पसीना यहाँ पर आकर के ये डालती है, और यहाँ से फिर ये बालों के अंदर जाता है या त्वचा की सतह तक आता है। तो बालों को ये चिकना बनाए रखता है, बालों को नमी प्रदान करता है। तो ये आज एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स फाउंड इन द एक्सिलरी और आर्मपिट्स और एनोजेनाइटल एरियाज। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एक्सिलरी या आर्मपिट्स या अंडर आर्म्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये एनल और प्यूबिक हेयर्स के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि हमारे शरीर के जिन भी भागों पर बाल पाए जाते हैं अधिक संख्या में, ये या प्राइवेट पार्ट्स पर जो है ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर लार्जर देन एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, एक्राइन स्वेट ग्लैंड से ये बड़ी होती हैं, इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। डक्ट्स एम्प्टी इनटू हेयर फॉलिकल, और ये अपना जो सिक्रीशन है उसको ये हेयर फॉलिकल के अंदर डालती हैं। अब हमने ये पढ़ लिया था कि एक्राइन स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड दोनों ही स्वेट ग्लैंड जो हैं वो पसीना स्त्रावित करती हैं, यानी कि स्वेट सिक्रीट करती हैं। तो स्वेट कंपोजिशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्वेट कंपोजिशन का मतलब होता है कि पसीने की रासायनिक संरचना क्या है, यानी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें मिलकर के और पसीने को बनाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्राइन स्वेट ग्लैंड से जो पसीना निकलता है उसको हम एक्राइन स्वेट कहते हैं। एक्राइन स्वेट ग्लैंड से जो पसीना निकलता है उसमें वो फ्लूड उसके अंदर ज़्यादा होता है, क्लियर होता है वो और ऑर्डरलेस होता है। तो क्लियर वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर मोस्टली वाटर होता है,
99% जो है वो वाटर होता है, तो बिल्कुल पानी की तरह से दिखाई देता है। इसके साथ ही उसके अंदर सम सॉल्ट्स, मोस्टली NaCl, कुछ सॉल्ट या कुछ लवण होते हैं, मुख्य रूप से उसके अंदर सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, या और पोटेशियम भी उसके अंदर पाया जाता है, कैल्शियम भी उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो उसके अंदर पाया जाता है वो NaCl होता है। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि जो हमारा पसीना है, पसीने का जो टेस्ट है वो नमकीन होता है हल्का सा। इसके साथ ही इसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, हमारी त्वचा की रोगों से रक्षा करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। जर्मिसिडन होता है, ये जर्मिसिडन जो है वो एक तरीके का माइक्रोब किलिंग प्रोटीन, एक तरीके का जीवाणुओं को मारने वाला एक प्रोटीन होता है, तो ये हमारी त्वचा की जो है जीवाणुओं से, विषाणुओं से रक्षा करता है। और इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो मॉस्किटोज़ को अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए जो मच्छर होते हैं वो आकर के और हमारी त्वचा के ऊपर ही सबसे पहले बैठते हैं। तो ये एक्राइन स्वैट हो गया। इसके बाद है एपोक्राइन स्वैट। एपोक्राइन स्वैट और एक्राइन स्वैट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसके अंदर भी वही चीज़ें पाई जाती है। सिक्रीशन कंटेंट सेम कंपोनेंट्स एज स्वैट, जो कि एक्राइन स्वैट के अंदर सिक्रीशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वाटर एंड NaCl, एंटीबॉडीज, जर्मिसिडम प्रोटीन और लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा कम होती है, वाटर जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। उसकी अपेक्षा इसके अंदर लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मिल्की और येलोइश होता है। जब ये सिक्रेट होता है उस समय ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब है गंधरहित होता है, इसमें कोई खुशबू और किसी भी प्रकार की कोई खुशबू या बदबू नहीं होती है। बट वैन डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया ऑन स्किन, लेकिन जब हमारी त्वचा पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके संपर्क में जब ये पसीना आता है तो ये एक विशेष प्रकार की गंध पैदा करता है, और इसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, ये हल्का सा कलर में येलोइश हो जाता है, और इसका जो टेक्स्चर होता है वो भी हल्का सा मिल्की हो जाता है, और उसी को हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी ऑर्डर कहते हैं, यानी शरीर की गंध कहते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा भी बन जाता है कि किसी भी पर्सन को आप उसकी बॉडी ऑर्डर से पहचान सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कार्यों के बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियों के कार्य क्या क्या हैं। दे हैव फोर प्राइमरी फंक्शन, स्वेद ग्रंथियों के चार मुख्य कार्य होते हैं, जिसमें पहला कार्य है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, यानी कि स्वेद का उत्पादन करना, यानी पसीने का उत्पादन करना। दे प्रोड्यूस अ क्लियर ऑर्डरलेस सब्सटेंस स्वेट कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ वाटर, ये क्लियर और ऑर्डरलेस पदार्थ बनाती हैं जिसको हम पसीना कहते हैं, और उसके अंदर मुख्य रूप से वाटर पाया जाता है। दूसरा इनका फंक्शन होता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल ये कैसे करती हैं कि जब वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर भी गर्मी पैदा हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा अगर वहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो पसीने को स्रावित करती हैं, यानी स्वेट को। तो स्वेट जब हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर आता है तो उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है, और वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देता है। तो स्वेट कूल्स द सरफेस ऑफ द स्किन एंड रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर। पसीना त्वचा की सतह को ठंडा कर देता है और शरीर के तापमान को कम कर देता है। तीसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन यानी कि अनचाही वस्तुओं को बाहर की तरफ निकालना। हमारे शरीर के अंदर कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि टॉक्सिन्स की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे शरीर को विषैला बना सकते हैं और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, तो उनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो मुख्य रूप से एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स जो NaCl, पोटेशियम, कैल्शियम इनको निकालती हैं, जिसकी वजह से कि जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारी स्किन से बाहर आ जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं पसीने के माध्यम से। तो ये
इसका उत्सर्जन का कार्य है। चौथा कार्य है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हेल्प प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम बैक्टीरिया। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि डिमिसिडन जो एक होता है, जो माइक्रो किलिंग प्रोटीन होता है एक प्रकार का, वो पाया जाता है और वो हमारी त्वचा की जो भी बैक्टीरिया जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारी स्किन के ऊपर आकर के बैठते हैं उनसे रक्षा करता है। तो इस तरह से ये चार फंक्शंस होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स के या स्वेट ग्रंथियों के। प्रोडक्शन ऑफ स्वेट यानी कि पसीने का उत्पादन करना और उसका स्रवण करना, सिक्रेशन करना। थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर कंट्रोल करना, तापमान नियंत्रण करना। एक्सक्रीशन उत्सर्जन करना, प्रोटेक्शन सुरक्षा करना। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्राइन एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एक्राइन स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर क्या अंतर है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है लोकेशन। लोकेशन यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स दे आर लोकेटेड ओवर एंटायर बॉडी सरफेस एक्सेप्ट लिप्स एंड निपल्स। ये हमारे पूरे शरीर पर पाई जाती हैं, सिर्फ लिप्स और निप्पल्स को छोड़कर। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स दे आर लिमिटेड इन दियर डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्सिलरी प्यूबिक पेरियनल रीजन। ये लिमिटेड होती हैं, स्पेशली ये एक्सिलरी यानी आर्मपिट्स या अंडर आर्म्स में पाई जाती हैं, प्यूबिक हेयर में पाई जाती हैं और जितना भी पेरियनल रीजन होता है एनस के आसपास का जो हिस्सा होता है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। नंबर यानी संख्या, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर न्यूमरस इन नंबर, ऑलमोस्ट प्रेजेंट होल बॉडी, मोर देन 2.5 मिलियंस। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, लगभग पूरे शरीर पर ये पाई जाती हैं और इनकी संख्या 2.5 मिलियन यानी 2.5 लाख से भी ज़्यादा होती है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर लेस देन एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की संख्या एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की अपेक्षा कम होती है। साइज या आकार, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर स्मॉल इन साइज, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आकार में छोटी होती हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स आर लार्जर इन साइज, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की अपेक्षा साइज में या आकार में बड़ी होती है। ओपनिंग, ओपनिंग यानी ये कहाँ पर खुलती हैं। एक्राइन ग्लैंड्स डिस्चार्ज डायरेक्टली थ्रू और डक्ट ऑन टू द स्किन सरफेस। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स अपना डिस्चार्ज यानी इनके अंदर जो पसीना बनता है, जो सिक्रीशन बनता है, उसको डायरेक्टली स्किन की सरफेस पर यानी त्वचा की सतह पर डायरेक्टली डक्ट के माध्यम से, एक नलिका के माध्यम से डालते हैं। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स दे आर एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स एंड ओपन अप इनटू हेयर फॉलिकल। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई होती हैं और ये अपना सिक्रीशन हेयर फॉलिकल के अंदर डालती हैं। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती हैं, कौन, दे आर एक्टिव सिंस बर्थ, प्रोड्यूसिंग एन ऑडरलेस क्लियर फ्लूइड विच इज स्वेट and is mainly a mixture of water and salts. Eccrine sweat glands by birth ही active होती हैं, यानी जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो ये उसी time से ही active हो जाती हैं और ये एक गंध रहित clear fluid निकालती है जिसको हम पसीना कहते हैं और इसके अंदर पानी की मात्रा 99% होती है और उसके साथ में NaCl मुख्य रूप से होता है। Apocrine sweat glands, they become active with the onset of puberty. ये by birth नहीं होती है, ये puberty के समय या किशोरावस्था के समय या बाल्यावस्था के समय बनती हैं शरीर के अंदर। They produce a thick fluid which in contact with bacteria on the skin surface produces a characteristic potent body odor. ये एक थिक फ्लूड निकालती हैं जिसका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है और उसके अंदर प्रोटीन और स्टेरॉइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमारी स्किन की सरफेस पर जैसे ही बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो वो एक विशेष प्रकार की बॉडी ऑडर या विशेष प्रकार की शरीर की जो गंध है उसको पैदा करता है। तो ये हो गया अंतर। अब हम
अब हम पढ़ेंगे अदर टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, यानी हमारी त्वचा के अंदर एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अलावा और कौन कौन सी स्वेट ग्लैंड्स या स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें है सेरुमिनस ग्लैंड्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स इन एक्सटर्नल ईयर कैनाल दैट सिक्रीट सेरुमिन, यानी कि ईयर वैक्स। ये मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी ये एक प्रकार की एपोक्राइन ग्लैंड्स ही होती हैं, उसी का ये रूपांतरित रूप है, जो कि जो हमारा कान होता है, ईयर कैनाल होती है, उसके बाहरी हिस्से में ये पाई जाती है और ये एक प्रकार का पदार्थ स्त्रावित करती है जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। डिटर इंसेक्ट एंड ब्लॉक एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। इसके अलावा ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं और किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल, जो बाहरी पदार्थ होते हैं किसी भी प्रकार के, उनको कान के अंदर जाने से रोकती है, यानी उसको ये ब्लॉक कर लेती है, उसको ये अपने अंदर समेट लेती है ताकि वो कान की कैनाल के अंदर नहीं जा पाते हैं और वैक्स के साथ में लिपट करके ही एक वेस्ट के रूप में हमारे कान से उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स दैट सिक्रीट मिल्क कंसिडर्ड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमरी ग्लैंड्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्त्री प्रजनन तंत्र का एक भाग इसको कहा जाता है, और ये एक विशेष प्रकार की स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करती हैं फीडिंग मदर्स के अंदर, लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर जो है मिल्क सिक्रीट करती हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, स्वेद ग्रंथियों के जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सामान्यतया कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आ सकती हैं। इनमें है, पहला है हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर का मतलब होता है सामान्य से अधिक, और हाइपो हाइड्रोसिस, हाइपो का मतलब होता है सामान्य से कम। तो हाइपर हाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग। हाइड्रोसिस जो वर्ड है यहाँ पर, हाइड्रोसिस, हाइड्रा जो वर्ड होता है वो हमेशा हाइड्रो जो वर्ड होता है वो हमेशा पानी के लिए काम में आता है, तो हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होना, और पानी किस रूप में है, स्वेट के रूप में, तो एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि पसीने का अधिक मात्रा में निकलना, सामान्य से अधिक मात्रा में पसीने का निकलना। और ऐसा कब हो सकता है, जब या तो वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या फिर किसी प्रकार का फियर हो, या फिर किसी प्रकार का दूसरा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा खुशी हो, तो जो नर्वस डिस्टर्बेंसेज होते हैं उनकी वजह से भी होने लगता है। एंड दूसरा है हाइपो हाइड्रोसिस, हाइपो मतलब कम, यानी लेस स्वेटिंग, यानी सामान्य से कम पसीने का स्रवण होना। तीसरा है एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस मतलब डेफिशिएंसी इन परस्पिरेशन, यानी किसी पसीना बिल्कुल ही नहीं निकलना। ब्रोमीहाइड्रोसिस फाउल स्मेलिंग परस्पिरेशन, ब्रोमीहाइड्रोसिस का मतलब होता है फाउल स्मेलिंग परस्पिरेशन, यानी पसीने के अंदर एक विशेष प्रकार की दुर्गंध होना, फाउल स्मेल होती है उसकी, दुर्गंध होना, और ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर ये ज़्यादा होता है जब स्किन के ऊपर बैक्टीरिया हो जाते हैं और उसके संपर्क में स्वेट आता है, जो स्पेशली अंडर आर्म्स में या प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर होता है, तो वो बैक्टीरियाज के संपर्क में आकर के इस तरीके की फाउल स्मेल पैदा करता है। नेक्स्ट है माइलेरिया रूब्रा, यानी कि प्रिकली हीट। ये जो है जब तेज धूप के अंदर निकलते हैं तो जो सनलाइट होती है, जो बहुत तेज धूप होती है, उसके संपर्क में जब स्किन आती है तो उसकी वजह से हो जाता है। इसमें इरप्शंस ऑफ स्मॉल रेड वेसिकल्स एंड बर्निंग एंड ईचिंग स्किन, इसके अंदर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं त्वचा के ऊपर, जिनमें बर्निंग भी हो सकती है, यानी उनमें जलन होती है, और ईचिंग होने लगती है, यानी उनमें खुजली होने लगती है, तो ये इसको हम प्रिकली हीट कहते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स के जो हैं ये मुख्य पांच कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस, हाइपो हाइड्रोसिस, एन हाइड्रोसिस, ब्रोमी हाइड्रोसिस, माइलेरिया रूब्रा या प्रिकली हीट। Thank you.